हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो खबर है, ये खबर मैं कुछ हटके देने वाला हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि इतना दिन हम गटर पे नहा रहे थे बॉलीवुड को सपोर्ट करते करते, आज समय आया है उस गटर से अपना पाप को धुलवाने का। तो कुछ ऐसा चीज मैं आप लोगों के सामने एकदम पूरा सच रखूंगा जो कि आप लोग सुन के भी थूक देंगे सलमान खान शाहरुख खान के मुंह पर। ये थूक आज से बहुत साल पहले थूकना चाहिए था। तो डायरेक्टली आ जाते हैं एकदम टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि शाहरुख की बेटा आर्यन को अरेस्ट कर लिया गया है एनसीबी की तरफ से, यानी उनके पास से कोकेन गांजा के साथ साथ चरस हीरोइन क्या नहीं मिला था, और सब कुछ जब्त कर लिया है एनसीबी की तरफ से। तो उसके घर सलमान भी जा पहुंचा, यानी जो कि बॉलीवुड का दादा या फिर बॉलीवुड का भाई कहा जाता है, तो वो भाई गया शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए। तो आखिर में क्या सच में वो सपोर्ट के लिए ही गया था या फिर हमदर्दी जताने के लिए गया था, वही प्लॉट मैं आप लोगों के सामने उस प्लॉट का पोस्टमार्टम करूंगा अभी बैठ के। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। तो एनसीबी ने एक ऑपरेशन के द्वारा शाहरुख का बेटे को अरेस्ट किया, उसी के साथ साथ और भी 8-10 जन को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद एनसीबी की तरफ से कोई भी अधिकारी, यानी कोई भी उस टीम का कोई भी मेंबर फोन ऑन नहीं किया था, जिसके कारण उनके उन लोगों के साथ कोई भी संपर्क नहीं कर पाया। देश की कितना बड़ा नेता हो, कोई भी वकील हो, कोई भी संपर्क नहीं कर पाया। एकदम सीधे के सीधे उन 8-10 जन को कोर्ट में भेजा गया, उसके बाद वो लोग फोन ऑन किए थे। तो मतलब उन लोगों के पास, यानी शाहरुख खान के पास या फिर जो भी राइस बाप का जो भी बेटा था, तो उन लोगों के पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आया था कि वो लोग बात करके या फिर कुछ पैसा दे के उनकी बेटे को या फिर बेटी को छुड़ा लेगा। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं गया। तो अब बताएं कि सलमान खान कौन सा प्लान लेके आया था। तो जैसे ही सलमान खान को पता चला कि शाहरुख खान की बेटा ऐसे एनसीबी के अंडर में आ गया है, तो संग संग उन्होंने भी कोशिश किया लगातार, उनकी जितना भी पावर्स है, उनकी जितना भी भाई बंधु जो भी है, उन लोगों को फ़ोन करके कोशिश किया कि किसी भी हालत में शाहरुख की बेटे को वहाँ से निकाला जाए। पर यह हुआ नहीं, क्योंकि एनसीबी का जो प्लान था वो इतना ही स्ट्रांग था, जिस स्ट्रांग प्लान को भेद करके वो लोग घुस नहीं पाया। उनकी दिमाग जो था वो दिमाग वहीं के वहीं ठप हो गया। तो अभी उन्होंने डायरेक्टली पहुंच गया शाहरुख खान की मन्नत पर, और मन्नत पे जाके उन्होंने शाहरुख से मिला। शाहरुख खान को जाके शायद उन्होंने यही सलाह दिया होगा कि अरे, मैंने जब रास्ते पे लोगों को कुचल दिया था उस टाइम पे, और उसी के साथ साथ जो हिरन वाला केस था उस टाइम पे जो वकील को मैंने हायर किया, तू भी उस वकील को हायर कर, क्योंकि हम अगर एक साथ अगर 10-12 जन के ऊपर गाड़ी चला के मार दे के उस केस से बच सकते हैं, तो तेरा बेटा तो नॉर्मल सी थोड़ा सा ड्रग लेके पकड़ा गया है, तू तो आसानी से उनको छुरा के लेके आ ही सकता है। अभी इस हालत में शाहरुख खान को जो भी आइडिया दिया जा रहा है वो ही सही लग रहा है। तो शाहरुख खान भी कोशिश कर रहे हैं कि देश में किसी ऐसा बड़ा वकील को पकड़ा जाए जो कि इस केस से मेरे बेटे को आज़ाद करा ले, और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं कि किसी भी हालत में उनकी बेटे को बाहर तक लाया जाए। पर एनसीबी की तरफ से जैसे कि वो 8 जन को ही मीडिया के सामने रखा गया है, मीडिया के सामने उन 8 का नाम बता दिया गया है, तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि उन 8 जन में से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब जो भी होगा वो लीगल प्रोसीड्योर के माध्यम से गुजर के जो भी जज साहब के तरफ से ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर फॉलो करना होगा। पर उनकी बेटा ज़्यादा दिन तक कोर्ट पे हो या फिर पुलिसी हिफाजत में हो या फिर जेल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास बड़े से बड़े वकील हैं। अगर लोगों को सड़क के अंदर अगर कुचल के अगर जेल में जाना ना पड़े, मतलब उसको सपोर्ट करने वाला वकील कितना बड़ा वकील होगा और कितना बड़ा कूटनीतिकविद होगा जो कि इस ऐसा एक बड़ा केस से सलमान खान को बचा के लेके आ सकते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, वही वकील अगर जाके शाहरुख खान के बेटे को रिएक्ट करना होगा तो आराम से रिएक्ट कर देगा। यानी शाहरुख खान के बेटे के पास से अगर इतना सा ड्रग मिला है तो वो वकील कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर देगा कि उनके पास से इतना सा ड्रग मिला था, और जो कि एक नॉर्मल ड्रग है जो कि एक लोग रख ही सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रूफ दे के उनको छुड़ा लिया जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है। पर क्या उनका शाहरुख खान का जो भाव मूर्तियाँ था, जो उन्होंने इतना दिन से कमा के जो अपना इमेज तैयार किया था, वो इमेज क्या रह गया? क्या शाहरुख खान के बेटे का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर क्या
उनको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि डेफिनेटली नॉट। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा नोटिस करने वाला बात यह है दोस्तों कि जब सुशांत सिंह राजपूत की केस में सुशांत सिंह राजपूत का जब मर्डर हुआ था, यानी मैं मान ही लेता हूं कि उनका मर्डर हुआ था, तो अगर मर्डर हुआ था तो उस टाइम पे जब आप लोगों तक ये खबर पहुंच गया कि सुशांत सिंह राजपूत और इस दुनिया में नहीं है, तो क्या आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के पिता से जाके एक बार मिलिए, उनको एक बार हमदर्दी दीजिए, उनके पास जाके खड़ा हो जाइए? पर नहीं, पर जब शाहरुख खान के बेटे को ऐसे ड्रग एंगल में पकड़ा गया, तब सारे के सारे वो बॉलीवुडी कुत्ते जाके शाहरुख खान की मन्नत के सामने भौंक रहे हैं कि शाहरुख भाई हम हैं आपके लिए। तो मतलब शाहरुख खान के बेटा जो किया है वो लीगल है, उनको हमदर्दी दिखाना होगा क्योंकि वो शाहरुख खान है। तो मतलब बॉलीवुड में यही होता है, यानी आप कितना भी घिनौने से घिनौना कम करो, पूरा बॉलीवुड आपके साथ रहेगा अगर आप उन लोगों की जैसा सोच विचार रखते हो। सुशांत सिंह राजपूत उन लोगों के जैसा सोच विचार नहीं रखते थे, वो अनएडुकेटेड पीपल से बहुत अलग थे, बहुत ही डिफरेंट थे, तो जिसके लिए उनके साथ कुछ हादसा उल्टा ही हुआ। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शाहरुख खान के बेटे को ज्यादा दिन तक कोर्ट पे नहीं रखा जाएगा, बहुत जल्द उनको भी छोड़ दिया जाएगा, वो भी आजाद हो जाएंगे, चाहे वो लोग यानी बॉलीवुड के वो माफिया लोग या फिर उन लोगों की बेटे बेटी कितना भी बड़ा संगीन जुर्म कर ले, उन लोगों के लिए कानून अलग होते हैं और हम लोगों के लिए अलग। तो दोस्तों इस विषय में आप लोगों का राय क्या है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर, टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।